प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरशादात पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि सारी बातें आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। जिससे मोहब्बत की जाए इससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। तीन इंसान तीन चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के साइन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे तो इसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है, ना जाने कब और कहाँ टूट जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद मुबारक है कि ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते और माफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। उस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करना चाहे, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। इल्म राह दिखाता है और अमल मकसद तक पहुंचाता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। ज़ुबान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर इसे छोड़ दिया जाए तो तुम्हें ही चबा जाएगी। दुनिया धोखेबाज, नुकसान देने वाली और जल्द फना होने वाली है, इसलिए खुदा ने दुनिया को ना तो सवाब देने के लिए पसंद फरमाया और ना आज़ाब देने के लिए। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो नभाना जानते हों, नफ़रत उनसे करो जो बुलाना जानते हों, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हों। दुनिया की कोई चीज़ अगर खो जाए तो गनीमत है। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अक़ल होती है, मगर इंसान में दोनों होती हैं। अगर वो अक़ल दबा ले तो जानवर, और अगर ख्वाहिश दबा ले तो फरिश्ता। ज़िंदगी के तीन असूल बना लो। इससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और इससे कभी मत छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। बेवकूफ़ तरीन इंसान वो है जो अपनी बदकलामी पर फख्र करता है। सख्तियाँ और परेशानियाँ अपनी इंतहा पर पहुँच जाएँ तब भी फराखी और कामयाबी की उम्मीद रखो। अपना किरदार बनाने में इतने मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ही ना मिले। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नज़रों में। अल्लाह को गाफलों के दरमियान याद करने वाला इस सरसब्ज पौधे की तरह है जो खुश्क घास के दरमियान हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज पढ़ूँ मगर उठ नहीं पाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये नींद की वजह से नहीं, बल्कि सारा दिन तुम जो गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ बांध कर तुम्हें उठने नहीं देते। इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ, और इतने नरम ना बनो कि निचोड़ दिए जाओ। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसे छोड़ दो उसे फिर कभी दुख ना दो। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगी। गुस्से को पी जाओ कि नतीजे के लिहाज से इससे मीठा और इख्तिताम के लिहाज से इससे लजीज घूंट नहीं देखा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो इसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम जा रहे थे कि मकाम अंबार के ज़िम्मेदारों से सामना हुआ, तो वो आपको देख कर प्यादा हो गए, यानी कि पैदल चलने लगे और आपके सामने दौड़ने लगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये तुमने क्या किया? उन्होंने कहा कि यह हमारा आम तरीका है जिससे हम अपने हुक्मरानों की तज़ीम बजा लाते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खुदा की कसम इससे तुम्हारे हुक्मरानों को कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँचता। अलबत्ता तुम इस दुनिया में अपने आप को ज़हमत और मशक्क़त में डालते हो और आखरत में इसकी वजह से बदबख्ती मोल लेते हो। वो मशक्क़त कितने घाटे वाली है जिसका नतीजा सजाए उखरवी हो, और वो रात कितनी फ़ायदेमंद है जिसका नतीजा दोजख से अमान हो। अगर मोहब्बत उनसे मिले जिनसे आप प्यार करते हैं, तो फिर मोहब्बत उसको ज़रूर देना जो आपसे प्यार करता है।
अक्लमंद अगर खामोश रहे तो कुदरत अलाई में फिक्र करता है और जब नकाह उठाकर देखे तो इबरत हासिल करता है। बेशक अक्लमंद को आदाब सिखाने से नसीहत हो जाती है और जानवर को बगैर मार पीट के कभी भी इबरत हासिल नहीं होती। सबसे बड़ा आदल वो फ़र्द है जो ऐसे लोगों के साथ इंसाफ करे जो उस पर जुल्म करते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह से इज्जत चाहता है, अल्लाह ताला उसे इज्जत अता फरमाता है। नेक अमल करो मगर रिया और शोहरत का ख्याल ना करो। जो शख्स किसी के दिखावे के लिए को काम करता है तो अल्लाह ताला उसको उसी के सुपुर्द करता है जिसकी खातर उसने वो काम किया हो। जब अल्लाह ताला ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है तो लोगों की गुलामी इख्तियार ना करो और उस खैर और भलाई में कोई खूबी नहीं जो बुराई के सिवा हासिल ना हो, उस खुशहाली में कोई बरकत नहीं जो तंगी के बगैर मैसर ना हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हक समझते हैं मगर मानते नहीं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इल्म रखते हैं मगर उसके मुताबिक नहीं चलते। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के साइन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।